किसी संत की तरफ टेढ़ी नजर से कोई गुंडा नहीं देख सकता। बेटी को सुरक्षा है तो पूज्य संतों का सम्मान भी है। गरीब जहां फंसा है, जहां गरीब फंसा है वहीं पे उसको जमीन का पट्टा भी दे दिया गया, उसका आवास भी बनाया जा रहा है। जहां संत का आश्रम है वहीं पर उस आश्रम के लिए सरकार से भी सहयोग किया जा रहा है। और प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी है, लंपी डिजीज से उत्तर प्रदेश में गोवंश को नुकसान नहीं, एक एक गो माता को सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव मही को, सभी देवी देवताओं का निवास इस गो माता में हमने माना, उस गो माता को बीमारी से भी बचाया और भूचड़ों से भी बचाने का काम प्रभावी ढंग से हम कर सकते हैं। राजस्थान में आप क्यों विफल हो गए, क्यों विफल हो गए? कारण है गौ माता के प्रति आप लोगों की निष्ठा नहीं थी। कांग्रेसी केवल मुद्दा बनाना चाहते थे और परिणाम क्या था, भारी संख्या में गोवंश को नुकसान होता है राजस्थान में और लंपी डिजीज बड़ी भयावह रूप में आकर के आस्था को भी ठेस पहुंचाया था। उस गरीब किसान की पे क्या बीती होगी जिसका मूल्य गोधन लंपी डिजीज की चपेट में आकर के उसको आर्थिक नुकसान किया हो। लेकिन सरकार राजस्थान की मानने वाली नहीं थी, वहां तो गौ तस्करों को बढ़ाने वाली सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो हिंदू विरोधी है, पेशेवर गुंडों और अपराधियों को प्रश्रय देती है। याद करिए कन्हैया लाल का गला रेंग दिया जाता है, यूपी में कोई घटना को अंजाम देगा तो अब तक क्या अंजाम होता है इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए, सरकार के संरक्षण में वहां पर उन्हें पानी दिया गया, इस तरीके से बेटियों के साथ जो व्यवहार यहां पर हुआ, ये क्या दिखाता है भाइयों बहनों? आज इसीलिए आप सबसे हम कहने के लिए आए हैं, तिजारा विधानसभा चुनाव शुरुआत हो रही, प्रचार की शुरुआत हो रही है और मुझे ये भी बताया गया है कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है, हमें भी सुना है। भाइयों बहनों तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है, देख रहे हैं ना इस समय गांजा में इज़राइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार करके। भाइयों बहनों अराजकता और गुंडागिरी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है, लेकिन जब आतंकवाद के साथ, गुंडागिरी और अराजकता के साथ वोट बैंक की राजनीति जुड़ जाती है तो एक गरीब, एक निरी, एक महिला, एक व्यापारी और पूरा सभ्य समाज उसकी चपेट में आता है। आज भारत एक नए भारत के रूप में है, एक ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की टीम कैप्टन
के रूप में मोदी जी देश को नेतृत्व दे रहे हैं और भारत विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज आप देख सकते हैं कितना विकास भारत ने किया। 1947 से 2014 तक केवल देश के अंदर 6 एम्स बने थे, आज इनकी संख्या बढ़कर के 22 हो गई। मोदी जी ने मात्र 9.5 वर्ष में 22 एम्स बना दिए। आईआईटी, आईआईएम, हाईवे, रेलवे 1947 से लेकर के 2014 तक याद करिए कुल 74 एयरपोर्ट बने थे, मोदी जी ने 74 नए एयरपोर्ट बना दिए मात्र 9 वर्ष में। कांग्रेस जो काम 70 वर्ष में नहीं कर पाई थी, मोदी जी ने वह काम 9 वर्ष में करके दिखा दिया। योजनाओं का लाभ जिस तरीके से मिल रहा है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आज जिस प्रभावी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र सरकार कार्य कर रही है और जहां जहां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ये डबल इंजन की सरकारें जिस प्रभावी तरीके से कार्य कर रही हैं, उस प्रभावी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज राजस्थान का हर नौजवान, हर माताएं, हर बहनें, हर अन्नदाता किसान, हर व्यापारी, हमारा युवा, समाज के हर तबके का व्यक्ति भी उसी बात को लेकर के कार्य कर रहा है। और देखिए कितनी समानता है। मोदी जी एक संत के रूप में, देश ही 142 करोड़ की आबादी ही उनका परिवार है, और तिजारा का भी ये सौभाग्य है कि बाबा बालकनाथ भी एक योगी के रूप में पूरे तिजारा को ही अपना परिवार मान करके यहां पर आए हैं। उनके अपना परिवार नहीं, कोई नातेदारी रिश्तेदारी नहीं, एक ही रिश्ता है किसी माता को, किसी बाप को, किसी मां को कहीं कोई कष्ट न हो, किसी युवा को अपने रोजगार के लिए भटकना न पड़े, हमारे अन्नदाता किसान को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, हमारा व्यापारी जो समृद्धि का प्रतीक है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस न करे, कोई श्रमिक कहीं अपमानित न हो, समाज में हर तबके में खुशहाली हो, इसी खुशहाली को लेकर के आज वे आपके बीच में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा अलवर में सांसद के रूप में, कांग्रेस के समय में भी सांसद हुआ करते थे, चुनाव के समय देखते थे, फिर अगले चुनाव में ही उनके दर्शन होते थे। मैं अक्सर बाबा बालकनाथ जी से बातचीत करता रहता था, पूछता था कहां है, पता लगता था कि वो अलवर में घूम रहे हैं, अलवर में अपने क्षेत्र में हैं, लोगों से मिल रहे हैं। भाई सांसद के रूप में आप इतना समय क्षेत्र में दे रहे हैं, हाँ जो समय मिलता है देश दिल्ली में संसद सत्र के बाद मैं अपना समय अपने क्षेत्र में देता हूं, अपने लोगों के बीच में देता हूं, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कार्य करता हूं। यानी इतना समय, क्योंकि उन्होंने एक आत्मीय रिश्ता बनाया है यहां के साथ, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ उन्होंने पूरे प्रभावी ढंग से कार्य करना प्रारंभ किया। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि तिजारा को अब सितारा बनाएंगे, सबके सितारे का, अब तिजारे के लोगों को विकास के लिए मोहताज न होना पड़े। इस दिश से विधानसभा की बड़ी भूमिका होती है, राज्य में सरकार की बड़ी भूमिका होती है, उस भूमिका के निर्वहन करने के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं और उसी के लिए आज वे आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, अब तिजारा की जिम्मेदारी बनती है, कोई
जातिपात नहीं, कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। याद रखना, अगर कांग्रेस कहीं से दुर्भाग्य से सफल होती है तो फिर तालिबानी मानसिकता हावी होकर के बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, व्यापारियों का शोषण करेंगे, अपहरण करेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करेंगे, गौ तस्करी का काम करेंगे, मठ और मंदिरों को नुकसान पहुंचाएंगे, आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से लोग नहीं मनाने देंगे। और इस पर लगाम लगाने के लिए आज आवश्यकता है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी और बाबा बालकनाथ जी आज आपके पास सामने है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी आज इसी विश्वास के साथ आपके सामने आई है आपसे कहने के लिए, हम सभी लोग मिलकर के राजस्थान को एक ऐसा राजस्थान बनाए जिस राजस्थान में अराजकता नहीं बल्कि राम राज्य की परिकल्पना को साकार किया जा सकता हो। एक ऐसा राजस्थान हमें चाहिए जहां गौ माता की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो। हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माताएं वे स्कूल जा रही हो, बाजार जा रही हो, खेतों में हो, खलिहान में हो, उनको इस सुरक्षा पे कोई किसी भी प्रकार का सेंध लगाने का दुस्साहस न कर सके। एक ऐसा राजस्थान जहां भ्रष्टाचार में नंबर एक नहीं बल्कि समृद्धि में राजस्थान को नंबर एक लेके आना है। एक ऐसा राजस्थान जहां बेटियों की सुरक्षा में खतरा के लिए नंबर एक नहीं बल्कि बेटी और बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, इसमें राजस्थान को नंबर एक लाने की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होनी चाहिए। राजस्थान पिछड़ेपन के कारण नहीं बल्कि समृद्धि में नंबर एक लाने की दिशा में प्रयास होना चाहिए, और उसी के लिए आज आपके बीच में मैं विशेष रूप से आया हूं। भाइयों बहनों, ये जो बुलडोजर है ये उत्तर प्रदेश का वही प्रतीक है, दुष्टों के लिए, दुष्टों के लिए ये उसका उपचार है, और विकास के लिए एक रास्ता बनाने का माध्यम भी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी यह एक उपचार है। ये दोनों उपचार इसके साथ साथ चलते हैं, जिसके बारे में कभी कहा गया था ना कि सस्ते रखते रास्ते शास्त्र चिंता प्रवृत्ति, हम सज्जनों का संरक्षण करेंगे, सज्जनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन दुष्टों के साथ उतनी ही शक्ति करेंगे। और यही तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, उन्होंने भी तो यही कहा था। भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास इसी बात को लेकर के आए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की शुरुआत तिजारा विधानसभा से हो रही है, और आज बाबा बालकनाथ जी का नामांकन भी है। मैं नामांकन के लिए उनको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पूज्य संतों का आशीर्वाद, बाबा मस्तनाथ जी का, योगीराज भरतरीनाथ जी का, बाबा महायोगी बाबा गोरक्षनाथ जी का, पूज्य संतों का, सभी का आशीर्वाद उनके साथ में है, और साथ साथ माताओं का, बुजुर्गों का, अन्नदाता किसानों का, इनका आशीर्वाद और युवाओं का सहयोग उनके साथ में है। पूरी मजबूती के साथ हम सबको इस चुनाव में लगना होगा। अभी आत्मविश्वास नहीं बल्कि एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी समझ करके अपने अपने बूथ को संभालने की दिशा में कार्य करना होगा, मिलकर के आगे बढ़ना होगा। अति आत्मविश्वास हमेशा घातक होता है। हमें मान करके चले, हमें अंतिम दम तक चुनाव लड़ करके चुनाव को अपने पक्ष में, मतदान अपने पक्ष
करवाने की दिशा में कार्य करना होगा और इसके लिए हर एक बूथ के प्रबंधन में एक एक कार्यकर्ताओं की टोली को लगना होगा, संगठन के एक एक पदाधिकारी को लगना होगा, समाज से जुड़े हुए विभिन्न संगठनों को जुड़ना होगा। ये सभी जुड़ जाएंगे कोई कारण नहीं, एक बार फिर से तालिबानी मानसिकता परास्त होगी और राष्ट्रवाद की विजय होगी, राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा और इसकी शुरुआत तो जनवरी में फिर से होने जा रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला का विराजमान होगा 500 वर्षों के बाद। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की कार्य बनने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, एक नई अयोध्या मिलेगी। याद करिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या की समस्या का समाधान हो पाता? क्या क्या कांग्रेस कर पाती? भाइयों बहनों, नहीं करती। और दूसरा, कांग्रेस से उम्मीद क्यों करते हैं? यहां तो मुआवजा देने में भी कांग्रेस जिस तरीके से भेदभाव करती है, कन्हैया लाल के परिवार को 5 लाख का मुआवजा भी बमुश्किल से मिल पाया, लेकिन गौ तस्करों को 20-25 लाख। और जयपुर में अभी मोटरसाइकिल के आपसी भिड़ंत में 50 लाख का मुआवजा। भाइयों बहनों, ये भेदभाव क्यों? ये पैसा किसी मुख्यमंत्री का नहीं होता है, किसी सरकार का नहीं होता है, हम तो केवल कस्टोडियन हैं। हमारा ये मैं मानना है ये पैसा जनता जनार्दन का पैसा है, इस पे जनता का अधिकार है। जैसे मकान मोदी जी ने सबको दिए, कहा सबका साथ सबका विकास, कोई जाति कोई मत कोई मजहब कोई क्षेत्र कोई भाषा, इसमें मोदी जी ने तो कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हाँ, ये जरूर कहा हम विकास सबका करेंगे, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे, किसी का तुष्टिकरण नहीं करेंगे। विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। और वैसे ही आज यहां पर हम लोग कहने के लिए आए हैं कि गहलोत जी, आप जो है जिस तरीके से तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं, अब आपकी उम्र इसको गवाही नहीं देती है, अब आपको आराम करना चाहिए और परिवर्तन का वाहक बनने में भारतीय जनता पार्टी में सहयोग कर देना चाहिए। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति को धार्मिक कार्यक्रमों में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि इस लोक का ही नहीं, हमें तो जन्म जन्मांतर के अपने पुण्य और अपने पाप की भरपाई करनी होती है। हर सनातन धर्मावलंबी इस बात को मानता है और इसीलिए अब ये जो अन्याय कर रहे हैं, मुआवजा देने में भेदभाव कर रहे हैं, इस भेदभाव को समाप्त होने का समय आ चुका है। और अब तो आचार संहिता लागू हो चुकी है, अब तो भारत निर्वाचन आयोग की आचार संहिता के बाद वे इस लायक भी नहीं है कि वे अब मुआवजा में ही भेदभाव कर सके। और बाकी जो कुछ बचेगा भाइयों बहनों, ये आपके ऊपर है और इसलिए भेदभाव करने वाली सरकार नहीं चाहिए, अराजकता और गुंडागर्दी को प्रश्रय देने वाली सरकार नहीं चाहिए, अव्यवस्था पैदा करने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने वाली और बेटियों और बहनों की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाली सरकार भी हमें नहीं चाहिए। हमें तो सबका साथ और सबके विकास के साथ साथ सबको सुरक्षा और सबको समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाली सरकार चाहिए, और वह केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार दे पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, तिजारा में और अलवर में वह काम इससे पहले भी बाबा बालकनाथ जी ने आप सबके साथ मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। मुझे याद है जब यहाँ पे एक पूज्य संत की हत्या हुई थी, तब उन्होंने नेतृत्व संभाला था यहाँ पर आकर के,
और उन्होंने कहा था ये स्वीकार्य नहीं होगा। भाइयों बहनों, वे हमेशा आपके सुख दुख में हैं और आज भी आपको इस बात का आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि वे आपके साथ सुख दुख में खड़े होकर के तिजारा और इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरे समर्पण भाव के साथ, पूरी तन्मयता के साथ लग करके कार्य करेंगे। इसी विश्वास के साथ आज मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा, राजस्थान में राम राज्य के इस कमल को खिलाइए, राजस्थान समृद्धि और सुख और समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों को छूने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश आज बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर चुका है। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, अराजकता थी, पर्व और त्योहारों में दंगे होते थे, अव्यवस्था होती थी, गुंडागर्दी चरम पर हुआ करती थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। कोई गुंडा कहीं कोई अराजकता नहीं पैदा कर सकता, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई दंगा नहीं, बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो जा रहे हैं, कोई भी व्यापारियों से छिनैती नहीं, पान बेटियों की सुरक्षा के साथ कोई सेंध नहीं, कहीं भी कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, सर्वत्र शांति है, सुख शांति है, समृद्धि है, बड़े बड़े विकास के कार्य चल रहे हैं। और भाइयों बहनों, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं कि उस कार्यक्रम को लेकर के बाबा बालकनाथ जी आपके सामने हैं, आपके पास हैं, उन्हें मजबूत करिए। एक एक वोट कमल निशान पर आपका जाना चाहिए। इस दिन से आप सभी लोग बाबा बालकनाथ जी को अपना आशीर्वाद दें और हम सब उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि उनका भारी बहुमत से विजयी होना राजस्थान में और तिजारा में राम राज्य की शुरुआत होगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। मेरे साथ आप बोलेंगे जय जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ महाराज में आपकी छवि दिखाई देने लगी है।